नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दीपावली के लक्ष्मी पूजन एवं दीपों की जगमग रोशनी के बाद की सुबह से लेकर रात्रि तक बाड़मेर के धोरी मना में हर गली हर चौराहे में गंदगी फैली हुई है। पंचायत एवं उसके सफाई कर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कचरा पात्र के पास काफ़ी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। 24 घंटे के बाद भी कोई सफाई कर्मी अब तक नहीं नजर आया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए भाई साहब, आपके धोरीमीने में क्या समस्या है? अरे मेरे धोरीमीने में तो बहुत समस्या है। क्या ये गंदा पानी पूरे धोरीमीने का है, वो पूरे बाजार का, यहाँ दलित बस्ती देख करके यहाँ पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पास में दलित बस्ती है तो यहाँ पे कोई जान पूछ देने वाला नहीं है। बड़े बड़े मोटे मोटे लोग है, उसका पानी आ रहा है इधर। ये और मैंने कई बार जाके अवगत करवाया, तहसीलदार को किया और SDM को किया, विकास अधिकारी को किया, सरपंच को, मैं परमानेंट फोन करता रहता हूँ, फिर भी यहाँ पे कोई नहीं। जानबूझ के यहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। ये ग्रिप की रोड है, कई बार ग्रिप वालों ने भी यहाँ आके किया पर फिर भी यहाँ पे कोई नहीं। नाला निर्माण पक्का कार्य किया है और कीचड़ तो फिर क्या आपने प्रशासन को बताने के बाद में क्या आपको प्रशासन ने कुछ इनकी सुनवाई की? आश्वासन नहीं देता, कहता कि हम यहाँ पे पाइप लगा देंगे, आपका क्या टेंशन है, हम पाइप लगा देंगे। पाइप लगा के कोई पानी दूर छोड़ा जाएगा। ये बस स्टैंड है, क्या उसके बारे में जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? SDM को बताया, SDM साहब खुद आए, प्रदीप राणा जी वो भी आए और BDO साहब भी आए, तीनों ने यहाँ और कई बार यहाँ खड़ा होकर के देख के गए। सरपंच साहब निरीक्षण करके गए, कीचड़ ये देखे गए हैं, फिर भी इनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और नहीं तो इसका पक्का नाली निर्माण करा कर गंदे पानी को दूर छोड़ने की किया जाए व्यवस्था। तो फिर क्या आपको दीपावली से पहले दीपावली से सारे शहर स्वस्थ एकदम अच्छे रहे, लेकिन हमारा धोरीमीना गंदे पानी से जूझता रहा और हमारा पूरे धोरीमीना में गंदगी का देखो, जहाँ जहाँ पे गंदा पानी और ये पॉलीथीन बंद बंद करते वो पॉलीथीन जहाँ जहाँ बिक्री हुई पड़ी है। और पूरा चौराहे पे देख के सकते हो आप, पूरा धोरीमीना एकदम गंदे से, हम दीपावली की पर्व मनाएगा इस गंदे के साथ में, गंदे पानी के साथ में। लेकर आधा किलोमीटर तक पूरे करके यहाँ से ये देख सकते हो आप, यहाँ देखो ये भाई साहब बताइए आपकी क्या समस्या है इस धोरीमीना की? धोरीमीना की मूल समस्या तो सफाई है जी। जिधर देखो उधर गंदगी का साम्राज्य पड़ा रहता है। ये जो गंदा पानी आ रहा है, दुख का विषय है कि ये गंदा पानी वहाँ से आ रहा है जहाँ श्री जगदीश जी सोनी गांव के उप सरपंच हैं। उसी गली के अंदर भलीसर के भूतपूर्व सरपंच भी रहते हैं, उस गली के अंदर लोहारवा के भूतपूर्व सरपंच बाघ सिंह जी भी रहते हैं, उसी गली के अंदर बहुत पुराने पत्रकार सोनाराम जी भी रहते हैं। उसी गली की गंदगी पूरे मार्केट के अंदर आकर के और कीचड़ ही कीचड़ कर दे रही है। बताइए आगे प्रशासन। मैंने कभी सफाई अभियान के अंदर कोई BDO साहब को भाग लेते हुए देखा नहीं है, कोई तहसीलदार साहब को। क्या आपने प्रशासन को जानकारी दी इस समस्या, इस गंदगी के बारे में? प्रशासन को तो कई बार कहा, कई बार मैंने स्वयं सफाई के बारे किसके में किन को बोला आपने? विकास अधिकारी को बताया क्या? जनप्रतिनिधियों को, विकास अधिकारी को, बाकी लोगों को, सबको बताया। SDM को, SDM साहब को भी ज्ञापन दिया सफाई के बारे में। लोगों प्लास्टिक के बारे में क्या धोरीमीना सब जगह प्लास्टिक है कि रोज धोरीमीना में भी पहले एक दिन ये इनका अभियान चला था कि प्लास्टिक उपयोग न करें, इसके बाद में भी धोरीमीना में क्या प्लास्टिक बंद हुई? नहीं, प्लास्टिक तो उसी प्रकार चल रही है। कुछ सज्जन लोग हैं, कुछ अच्छे व्यापारी जिन्होंने प्लास्टिक का लेन देन बंद किया है, अन्यथा पूरा प्लास्टिक कारोबार वैसे ही चल रहा है। अब देखिए पूरे धोरीमीना में जितनी प्लास्टिक है उतनी तो शायद प्लास्टिक पूरे बाड़मेर में नहीं होगा। प्लास्टिक का अभी प्रशासन ने भी कड़ाई से पालन करने का नहीं कहा है, इसलिए सर्वत्र प्लास्टिक ही प्लास्टिक है।